नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज निफ्टी 50 के बारे में, और निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उन सब की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मंडे के सेशन में निफ्टी और उसके स्टॉक्स किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फाइनली चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट में। तो निफ्टी में यहाँ पर देखिए, अब जो कैंडल यहाँ पर आज बनी हुई है, यहाँ पर जो फ्राइडे के सेशन में जो ट्रेडिंग हुई है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू मतलब हमको एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। मीन्स देखिए, हमको यहाँ पर एक अलर्ट होने की जरूरत है। अब देखिए, अगर आप देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी टाइम से मीन्स आप कह सकते हैं काफ़ी दिनों से निफ्टी एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में है और एक नया हाई पे हाई लगाती चली जा रही है। सो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, बिकॉज देखिए मार्केट में अभी कोई करेक्शन, बड़ी करेक्शन आई नहीं है। देखिए यहाँ पर एक करेक्शन आई थी, बट एक दिन के करेक्शन के बाद यहाँ पर अगेन निफ्टी ने जो है अपना ट्रेंड पकड़ लिया था। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अकॉर्डिंग ये 3 दिनों की कैंडल यहाँ पर देखते हुए ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ी करेक्शन हो सकती है। सो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट होकर ट्रेड करने की जरूरत है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो यहाँ पर कॉल बाइंग करने से बचिएगा। तो चलिए हम फाइनली यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और देख लेते हैं कि हमको किस तरह से मंडे में हमको ट्रेड मिल सकते हैं, किस तरह से हमने ट्रेडिंग करनी है। सो फाइनली यहाँ पर देखिए मंडे के सेशन में क्या हुआ। तो मंडे के सेशन में फाइनली यहाँ पर देखिए, यहाँ जो 15 मिनट की कैंडल बनी हुई है, 9:15 की, यहाँ देखिए जो लास्ट डे का प्रीवियस हाई था, ये देखिए जो स्विंग हाई था, इसके पास ही इसने जो है रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ हो गया। अब नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर जो सपोर्ट था इसको, यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट था, तो फाइनली इस सपोर्ट के आसपास से यहाँ पर बाउंस बैक होने की कोशिश की है। अब देखिए, अगर मंडे के सेशन में ये लेवल ब्रेक होता है, 13,400 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर ये 13,400 का लेवल ब्रेक होता है तो देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करके रखी हुई है। ये देखिए ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन, इसको मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक और ड्रॉ यहाँ पर करके रखी हुई है। सो यहाँ पर देखिए मैंने कलर कलर रेड कर दिया है। अब देखिए यहाँ से अगर हम कल को ब्रेक होते हैं मंडे के सेशन में, तो हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर आके सपोर्ट ले सकते हैं। अदरवाइज देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन देखें तो हमारे पास एक यहाँ पर लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन, ये देखिए मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है। तो फाइनली मैं इसको लेवल जो है प्रॉपर कर देता हूँ क्योंकि 1 डे के टाइम में फ्रेम में मैंने इसको रखा था करके। अब देखिए, अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब देखिए, अगर यहाँ पर मंडे के सेशन में तो 14,400 का लेवल ब्रेक होता है, तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन, जो अगला नेक्स्ट ट्रेंड लाइन है वो 14,300 के आसपास है। सो हम यहाँ पर 14,300 का सपोर्ट देखेंगे। अगर 14,300 का लेवल भी ब्रेक होता है तो फाइनली हम यहाँ पर जो सपोर्ट देखेंगे वो 14,150 के आसपास का। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए आपको बाइंग के सिनेरियो में करना है, मैं बाइंग का सिनेरियो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बाइंग के सिनेरियो के लिए ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पर दिखा देता हूँ प्रॉपर। यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अब इस ट्रेंड लाइन को जब ये क्रॉस करके क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे दे, तब हमको सिर्फ बाइंग के लिए जाना है, अदरवाइज अभी हमको बाइंग के लिए नहीं देखना है। देखिए अभी यहां पर देखिए पोजीशन क्या बनी हुई है, यहां पर जो सपोर्ट है 14,400 का, 14,400 के पास आकर बैंक निफ्टी इस टाइम जो है सपोर्ट ले रही है। मे बी देखिए कल को अगर 14,470-75 के ऊपर निकलती है तो यहां पर और ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, तो यहां पर हमको जो है बाइंग करनी है। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 14,540 के आसपास होगा, और मे बी अगर वहां पर कोई तेजी आती है तो हम यहां पर जो है 14,600 का लेवल भी देखेंगे। बट यहां पर मोस्टली मुझको जैसा लग रहा है कि यहां पर लेवल ब्रेक होना चाहिए, सपोर्ट यहां पर ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहां पर देखिए ध्यान से देखें, अब यहां पर बड़ी बड़ी कैंडलें बननी चालू हो गई हैं। देखिए अब तक जो कैंडल यहां पर बन रही थी वो छोटी छोटी कैंडलें बन रही थी, बट यहां पर एक देखिए बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही है। मीन्स बड़ी बड़ी कैंडलों का बनने का मतलब क्या होता है, निफ्टी हमको एक साइन दे रहा है, हमको एक बता रहा है कि मैं यहां से जो है नीचे की तरफ का निफ्टी की रुख हो सकता है। सो यहां पर हमको अलर्ट होना है। देखिए अगर बाइंग की तरफ जा रहे हैं तो बाइंग की तरफ आप ऑर्डर छोटा रखिए, अपने टारगेट छोटा रखिए। सेलिंग की तरफ जा रहे हैं तो सेलिंग की तरफ आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। सो यहां पर देखिए, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर का ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हमको बाइंग करनी है, और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये नीचे का ये सपोर्ट 14,400 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो हमको यहां पर सेलिंग करनी है। अगर यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन होने के बाद यहां पर कहीं रेड कैंडल, ये जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ की है, यहां कहीं मिलती है तो ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा और यहां से बाउंस बैक हो सकता है। सो ये लेवल बाउंस बैक का है, और ऊपर की जो सेलिंग है वो देखिए 14,550 या फिर 14,600 के आसपास से यहां पर सेलिंग आ सकती है। सो लेवल देखकर ट्रेडिंग करिएगा, बाकी मैं चीजें आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। जैसा भी वहां पर इंट्राडे में सिनेरियो जो भी बन रहा होगा, मैं सारी चीजें आपको वहां पर बता दूंगा। सो आपने अगर इंट्राडे सॉरी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं इंटरनेट की कॉल्स देता रहता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में कंटिन्यू पोस्ट करते रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर, अब निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनकी हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो फाइनली देखिए, हमारे पास पहला स्टॉक है यहाँ पर
अडानी पोर्ट्स, देखिए मैं यहाँ पर फायर्स के टर्मिनल पे यहाँ पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। सो फायर्स वालों ने अभी देखिए जो स्टॉक्स अभी नवे निफ्टी में ऐड हुए हैं या फिर जो स्टॉक्स निफ्टी से निकल चुके हैं अभी उसको अपडेट नहीं किया है। लाइक देखिए यहाँ पर HDFC लाइफ, आरती इंडस्ट्रीज, काफ़ी ऐसे स्टॉक हैं जो नवे ऐड हुए हैं और कुछ रिप्लेस हुए हैं। सो अभी फायर्स ने उसको जो है अपडेट नहीं किया है। सो कई लोग का मतलब मैसेज आता है सर आप जो है मतलब पुराने चार्ट में बता रहे हैं। सो फिलहाल मेरे पास अभी यही अवेलेबल है। सो इसलिए मैं इस पर अभी आप लोगों को एनालिसिस करके बता रहा हूँ। देखिए अडानी पोर्ट के लिए ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मे बी हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। ऊपर अगर 544 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर 550 के टारगेट के लिए जाएंगे। एशियन पेंट्स फाइनली अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। अब देखिए यहाँ पर एक रेड कलर की ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और यहाँ पर अपने सपोर्ट के आसपास आ गया, मीन्स 2600 के लेवल के आसपास। अब ये देखिए यहाँ पर अगर 2575 का लेवल यहाँ पर ब्रेक करता है तो मे बी हम इंट्राडे में यहाँ पर 2500 का लेवल देखेंगे। एक्सिस बैंक, तो मैंने बैंकिंग की वीडियो बना दी है, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। बैंकिंग के सारे स्टॉक के एनालिसिस करके मैंने वहां बताया हुआ है। बजाज ऑटो फाइनली देखिए यहां पर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जब ये 2640 का लेवल निकालेगा तब हमको बाइंग करनी है। और मे भी देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो 3500 के आसपास का है। बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस देखिए यहाँ पर वीक लग रहा है। अगर यहाँ पर देखिए 4800 का लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर जो इंट्राडे का टारगेट देखेंगे वो 4700 और 4650 का देखेंगे। बजाज फिंजरो ने फाइनली यहाँ पर देखिए ये एक रेंज में काम कर रहा था, ये ऊपर की रेंज थी और यहाँ पर जो नीचे में ड्रॉ करके रखा है 8650 का, ये नीचे की रेंज थी। अब कंटिन्यू देखिए यहाँ पर कितनी बार नीचे की तरफ टेस्ट हो चुका है, मीन्स ये लेवल बार बार अभी बार बार टेस्ट हो रहा है। सो वीक हो चुका है। अब यहाँ पर अगर 8570 8570 का लेवल ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर एक बहुत तेज शार्प फॉल देखेंगे। सो यहाँ पर अलर्ट रहिएगा। इंट्राडे प्लेयर हैं तो आप यहाँ पर सेल करके चल सकते हैं 8550 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा BPCL। तो BPCL फाइनली देखिए अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, 435 का रेजिस्टेंस लेवल है। 435 का लेवल निकालेगा तभी हमको ऊपर बाइंग की साइड जाना है। अदरवाइज यहाँ पर जो कैंडल बनी हुई है ये कैंडल तो हमको सेल का सिग्नल दे रही है कि हमको 410 के नीचे यहाँ पर सेलिंग के लिए जाना है। 410 के नीचे निकलता है तो इंट्राडे में सेलिंग कर सकते हैं। 405 और 400 रुपये टारगेट होने वाला है। भारतीय एयरटेल, अब देखिए भारतीय एयरटेल में न्यूज़ के बाद देखिए यहाँ पर एक बाउंस बैक हुआ था। मैं इसको वीकली चार्ट में अगर आपको करके दिखाऊं तो वीकली चार्ट में यहां पर देखिए अपने के रेजिस्टेंस के आसपास है बिल्कुल। सो यहां पर अब देखिए हमको सिग्नल का किसी वेट करना है, या तो ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद हम ऊपर की तरफ जाएं, या कोई यहां पर कोई डोजी कैंडल बने या शूटिंग स्टार बने तो फिर उसके बाद हम जो है इसको नीचे की तरफ के लिए देखेंगे। बट फाइनली अभी यहां पर कुछ भी नहीं करना है क्योंकि बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है और इसमें जो है न्यूज जो है फ्लैश हो रही है। सो यहां पर अभी भारतीय एयरटेल में कुछ मत करिए, एक दो दिन का वेट करिए, उसके बाद हमको यहां पर बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सिप्ला। तो सिप्ला भी फाइनली यहां पर देखिए नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। नीचे ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करके रखी हुई है 800 के आसपास, इसको सपोर्ट मिलेगा। मे बी 800 का सपोर्ट लेकर यहां से अगेन बाउंस बैक हो जाए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोल इंडिया। तो यहां पर देखिए कोल इंडिया अगेन मोस्टली स्टॉक हम क्या देख रहे हैं, मोस्टली स्टॉक में यहाँ पर जो है हमको रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मतलब सारे स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। मींस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, मार्केट में गिरावट आ सकती है। सो उसके लिए रेडी रहिएगा। बाइंग की साइड थोड़ा इस टाइम कम फोकस करिएगा, थोड़ा फोकस आपका होना चाहिए सेलिंग की साइड, क्योंकि यहाँ पर जब सेलिंग आएगी तो सेलिंग बहुत तेज आएगी और जो बाइंग होगी वो बहुत छोटी बाइंग होगी। मींस कहने का मतलब ये है कि बाइंग में आपको टारगेट छोटे रखने हैं और सेलिंग में टारगेट आपको बड़े रखने हैं। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए हमारा आइशर मोटर। आइशर मोटर को देखिए मैंने आप लोगों को ब्रेकआउट स्टॉक्स में भी दिया था और इसको मैंने दिया था कहीं 2600 के आसपास दिया था। फाइनली देखिए यहाँ पर जो टारगेट लग गया वो 2950 के आसपास का लग गया। अब यहाँ पर देखिए 2950 का लेवल निकालता है तो हमको इंट्राडे में बाइंग के लिए जाना है। अदरवाइज अगर ये 2830 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर 2800 और 2750 का लेवल मंडे के सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HCL टेक। तो HCL टेक देखिए यहाँ पर कंटिन्यू एक असेंडिंग चैनल में काम कर रहा था। देखिए मैंने असेंडिंग चैनल ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो अब फाइनली यहाँ पर देखिए अपने अपर चैनल के आसपास पहुंचा और वहां से जो है एक सेलिंग प्रेशर चालू हो गया और फाइनली यहाँ पर फ्राइडे के जो यहाँ पर जो ट्रेडिंग हुई है यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी हुई है। मीन्स यहाँ पर काफ़ी तेजी से यहाँ पर गिरावट आई है। अब यहाँ पर अगर 980 का लेवल ब्रेक करता है HCL टेक तो हमको यहाँ पर सेलिंग के लिए जाना है। 970, 960 और 950 रुपये हमारे टारगेट होने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हीरो मोटोकॉप। हीरो मोटोकॉप ने फाइनली देखिए ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी ब्रेक किया। अब इसमें जो बाइंग करनी है वो 3320 रुपये के ऊपर करनी है। 3320 रुपये के ऊपर निकलता है तब हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। अदरवाइज इस अभी यह सपोर्ट लेवल पर है और यहाँ पर देखिए इंट्राडे में अगर कोई
पैटर्न बन रहा होगा या फिर कोई ऐसा सिचुएशन होगा कि बाइंग के लिए जाना है, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंडालको। तो हिंडालको भी देखिए अब अपर लेवल पर जाकर सस्टेन नहीं कर पा रहे। देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद देखिए फाइनली ये नीचे की तरफ आ गया। अब अगर इसको यहाँ से बाउंस बैक होना है तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है, यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए। अगर बाउंस बैक नहीं होना है, अपना लो ब्रेक करता है, 250 के नीचे की क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पर हम 245 का टारगेट हम मंडे के सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हल हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए एक रेंज बाउंड टाइप की मार्केट बनी हुई है, यहाँ पर एंट्री लेके ट्रैप होने वाला काम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईटीसी। आईटीसी देखिए मेरे को एक यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, मैं आपको वीकली चार्ट में दिखाऊं तो ये देखिए मैंने वीकली चार्ट लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो 220 का लेवल है, 220 का लेवल एक बार ये क्रॉस कर दे तो हम यहाँ पर देखिए जो टारगेट देखेंगे वो 260 का देखेंगे। तो 220 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त कैंडल यहाँ पर दिख रही है। सो यहाँ पर मेरे को आईटीसी जो है काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ये मेरे को बिल्कुल वीक नहीं दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर वेट करिए, 220 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो हम यहाँ पर पोजिशन भी बनाने वाले हैं। मैं आप लोगों को अलर्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर मैं पोजीशन बनाऊंगा तो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक इंफोसिस। इंडसइंड की मैंने एनालिसिस करके बताई हुई है बैंकिंग की वीडियो में। सो यहाँ पर देखिए अब इंफोसिस के लिए ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए अगर बाउंस बैक होना है तो बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पर है, यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए। 1360 का लेवल ऊपर की तरफ निकालता है तो यहाँ पर हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 1375 और 1390 का होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील। तो जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए काफ़ी चल चुका है, स्टील के प्राइसेज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हाइक हो चुके हैं, काफ़ी बढ़ चुके हैं। और मे भी अब देखिए ये अपने सबसे ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर ट्रेडिंग करने के बाद देखिए नीचे की तरफ निकल रहा है, और नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पर अब ये खड़ा है। अब ये जो लेवल है देखिए 390 का, 390 392 का लेवल इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर 390 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर जो अगला टारगेट देखेंगे वो 375 का देखेंगे। सो यहाँ पर 390 का लेवल ब्रेक होने का वेट करिए। अदरवाइज यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ये ट्रेंड लाइन मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हम यहाँ पर ऊपर के लिए बाइंग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटेक बैंक। कोटेक बैंक की एनालिसिस मैंने करके बता दिया आप लोगों को। एलटी देखिए अभी जो है अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है। यहाँ पर देखिए मैंने वीकली चार्ट लगा दिया है और ये जो लेवल मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। लेवल देखिए क्या है, 1390 का। अब 1390 के यहाँ पर देखिए यहाँ से कंटिन्यू चला है, 900 से चला है और ये 1400 के आसपास पहुँच गया है। अब 1390 का लेवल एक बार निकालता है उसके बाद हम ऊपर के लिए देखेंगे, अदरवाइज मेरे को यहाँ से ऐसा सिम हो रहा है कि मतलब ये नीचे की तरफ आ सकता है। अब मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा और ट्रेंड लाइन से हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है। अब देखिए अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे। अब हम इसको डे के चार्ट में देख लेते हैं। बिल्कुल देखिए ये ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की है, अब यहाँ पर देखिए जो लेवल है वो 1340 का, 1340 का लेवल या 1350 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जाएंगे और क्लियर कट यहाँ पर सेलिंग के लिए जाएंगे। अगर ये 1350 के नीचे क्लोजिंग देता है इंट्रा डे में तो M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए मैंने आप लोगों को ब्रेकआउट स्टॉक में दिया था आपको 750 के आसपास, और फाइनली यहाँ पर देखिए जो टारगेट आया यहाँ पर 840 का टारगेट। हमारा पहला टारगेट यहाँ पर था 800 का, दूसरा टारगेट 850 का था, तो 800 का टारगेट आ गया, ऑलमोस्ट हमारा 850 का टारगेट के नजदीक ही है हम। अब यहाँ पर जो बाइंग करनी है वो इंट्राडे में बाइंग करनी है, पोजीशन बिल्कुल नहीं बनानी है क्योंकि यहाँ पर काफी चल चुका है और ये 845 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर बाइंग करनी है। अदरवाइज यहाँ पर 813 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर हमारा जो टारगेट होगा वो 796 का टारगेट होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मारुति। तो मारुति भी देखिए यहाँ पर फाइनली इसने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद अब यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। कल ये देखिए 7990 का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर 7850 का लेवल देखेंगे मंडे के सेशन में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा नेस्ले। तो नेस्ले भी देखिए फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने के लिए आ चुका है। अब यहाँ पर इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको कोई डोजी कैंडल बनाए या फिर मतलब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, जो ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से बन रही है, ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अब यहाँ से जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मीन्स यहां पर जब 18400 का लेवल ब्रेक होगा तब हम ऊपर को बाइंग के लिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ में देखिए यहां पर ब्रेकआउट दिया बट ब्रेकआउट यहां पर फेक ब्रेकआउट हो गया और फाइनली जो ब्रेकआउट कैंडल को नीचे की तरफ इसने क्रॉस कर दिया है। अब यहां पर देखिए अगर ये 908 का लेवल नीचे की तरफ निकालता है तो हमारा टारगेट यहां पर 900 रुपए का होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रिलायंस।
तो रिलायंस देखिए काफ़ी दिनों से, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो नवंबर से लेकर के ये जनवरी आ चुका है, मींस 3 महीनों से कंटिन्यू एक ही लेवल के अंदर सस्टेन कर रहा है। ऊपर का जो रेंज बना हुआ है वो 2030 के आसपास का है, और जो नीचे की रेंज है वो 1800 के आसपास का, सॉरी 1900 के आसपास का है, मींस ये 130 पॉइंट्स के अंदर ही ट्रेडिंग कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या देखना है, सबसे पहले ये ब्लैक ट्रेंड लाइन को निकाले और उसके बाद ये रेड ट्रेंड लाइन को निकाले। मींस कहने का मतलब ये है कि जब तक यहाँ पर 2100 का लेवल नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर घुसकर जो है ट्रैप नहीं होना है। इंट्राडे प्लेयर है तो यहां पर 1980 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहां पर 2000 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं, एसबीआई की एनालिसिस कर दी है। सनफार्मा इंपोर्टेंट ट्रेंड लाइन पे अपने सपोर्ट पे देखिए यहां पर ट्रेडिंग कर रहा है। यहां पर अब मे भी, अब देखिए यहां पर अगर हाई निकालता है अपना 618 का हाई निकालता है तो यहां पर हमारा टारगेट 625 और 632 का होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टीसीएस। तो टीसीएस देखिए यहां पर एक मेरे को जबरदस्त दिख रहा है बाइंग करने के लिए। अगर ये देखिए 3270 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, 5 मिनट की कोई भी कैंडल 3270 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हम यहां पर बाइंग के लिए जाएंगे। फिलहाल इसको अभी सेल के लिए मत देखिए क्योंकि ये अभी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिप है, ये अभी सेलिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में देखिए कंटिन्यू जो है अप ट्रेंड पे अप ट्रेंड, और मीन्स हाई पे हाई, हाई पे हाई, नए हाई लगते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 265 मीन्स मतलब इस टाइम में फिलहाल के टाइम में नए हाई लग रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर देखिए अगर 261 का लेवल निकालता है तो हम यहाँ पर 265 और 270 का टारगेट देखेंगे इंट्राडे में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा स्टील। तो टाटा स्टील को देखिए अब यहाँ पर ऊपर के लेवल पर जाकर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ की, ट्रेंड लाइन के बाहर यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है। दूसरा यहाँ पर एक हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट देखिए जो है 690 का। अब ये 690 का लेवल अगर नीचे की तरफ निकालेगा तो हम यहाँ पर जो टारगेट देखेंगे 655 का और 590 का देखेंगे मे भी। देखिए अब अगर ऊपर का देखिए, अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ देखिए एक रेंज बन रही है, ऊपर की जो रेंज है वो 730 की है और जो नीचे की रेंज बन रही है वो 690 की बन रही है। मीन्स यहाँ पर 40 पॉइंट्स की रेंज बन रही है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हमको कम से कम 40 पॉइंट मिलेंगे और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो हमको कम से कम 40 पॉइंट मिलेंगे। मीन्स मतलब जो इसके अंदर रेंज, जितने पॉइंट की रेंज होती है, जो गैप होता है, उतना ही हमारा टारगेट होता है, चाहे वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे चाहे वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे। मे भी देखिए अगर ऊपर की तरफ निकलता है 730 को ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट यहाँ पर 770 का होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा को यहाँ पर सेलिंग के लिए देखिए 998 के नीचे आप इसको यहाँ पर सेलिंग के लिए देखिए। यहाँ पर टारगेट हमारा जो रहने वाला है वो 970 का होने वाला है इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाइटन। तो टाइटन देखिए यहाँ पर जो एक असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था, असेंडिंग चैनल को फाइनली देखिए इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अगेन उसी चैनल, अपर चैनल के आसपास यहाँ पर आके सपोर्ट ले रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर जो है पिछला जो यहाँ ये देखिए, अब मे भी देखिए यहाँ से बाउंस बैक होने के पूरे पूरे चांस हैं। अगर इसको बाउंस बैक होना है तो अगर 1450 के आसपास यहाँ से बाउंस बैक होता है तो बहुत परफेक्ट यहाँ से एक तेजी आ सकती है। अदरवाइज अगर ये 1450 के नीचे क्लोजिंग कर देता है तो अगेन देखिए इस रेंज के अंदर आ जाएगा जिस रेंज से निकला था। ये जो रेंज थी असेंडिंग चैनल की जो रेंज थी, इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला था। अगर 1450 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो अगेन हम इसको इस रेंज के अंदर देखेंगे और लोअर ट्रेंड लाइन के आसपास आते हुए देखेंगे। लोअर ट्रेंड लाइन के आसपास का जो टारगेट होगा वो मे भी 1350 के आसपास का होगा। मींस 1450 से 1350 100 पॉइंट्स का हम यहां पर टारगेट देखेंगे 1450 के नीचे की क्लोजिंग आने के बाद। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा यूपीएल। तो यूपीएल को देखिए मैंने आप लोगों को 500 के आसपास दिया था बाइंग करने के लिए ब्रेकआउट स्टॉक्स में, तो फाइनली यहां पर देखिए 528 के आसपास का इसने हाई लगाया है। अब इंट्राडे में अगर 525 का लेवल निकालता है तो हम यहां पर 530, 535 और 540 हम इंट्राडे में देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अल्ट्राटेक। तो अल्ट्राटेक को अभी यहाँ पर थोड़ा वेट करिए, इसको रीटेस्ट होने दीजिए। मींस यहाँ पर 5250 के आसपास या फिर ये जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है इसके पास आने दीजिए। अब देखिए ये जो लेवल है इसके पास दो सपोर्ट होंगे, दो सपोर्ट, एक ये जो हॉरिजॉन्टल है इसका सपोर्ट होगा, दूसरा जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है इसका सपोर्ट होगा। मींस अब एक बार इसको यहाँ पर आने दीजिए। यहाँ पर देखिए मंडे के सेशन में इंट्राडे में आप 5400 के नीचे निकलता है तो यहाँ पर इसको सेल के लिए देख सकते हैं, टारगेट हमारा इस ट्रेंड लाइन के आसपास का है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा विप्रो। तो विप्रो भी देखिए यहाँ पर कंटिन्यू, एक मैंने आपको लेवल यहाँ पर दिया था वो 370 का, मैंने बताया था ब्रेकआउट स्टॉक्स में कि अगर 370 के ऊपर निकलता है तो टारगेट देखिए मैंने यहाँ पर 400, 425 और 450 का दिया था, और फाइनली इसने देखिए जो हाई लगाया वो 465 के आसपास का लगाया है। अब यहाँ पर देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो इसका लेवल इंपॉर्टेंट है 430 का, 430 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर एक शार्प फॉल देखेंगे, हम नीचे की तरफ जो है आते हुए इसको देखेंगे, टारगेट हमारा 400 के आसपास रहेगा। चलिए चीज़ें यहाँ पर देखिए कुछ भी मैंने अपने निफ्टी की एनालिसिस करके बताई है, बैंक निफ्टी की एनालिसिस में कंटिन्यू करके बताता हूँ।
और देखिए इंट्राडे में अगर कोई सेटअप बनता है, कोई ऐसी चीज़ मेरे को दिखती है जहाँ से आपके चार पैसे बन सकते हैं, जहाँ पर अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देता हूँ। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमारे इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप अलाइस ब्लू में या एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको प्रीमियम सर्विस फ्री दी जाएगी, जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, और वहाँ पर आपको डेली इंट्राडे की ऑप्शन की कॉल वहाँ पर मिला करेगी। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।